दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसे बहुत से चाइल्ड एक्टर और एक्ट्रेस रहे हैं जिन्होंने अपने दौर में बहुत सफल फिल्मों में काम किया, लेकिन वहीं बड़े होने के बाद इनका नाम गुमनामी चेहरों में शामिल हो गया। ऐसा ही एक नाम है सना सईद, जिन्होंने शाहरुख खान की सुपरहिट फिल्म कुछ कुछ होता में बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस के रूप में काम किया। लेकिन आज ये कहाँ हैं, क्या करती हैं, कैसी दिखती हैं, इस बात की खबर बहुत कम लोगों को पता है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आज वो कहाँ हैं और क्या करती है। लेकिन इससे पहले इनकी शानदार अभिनय के लिए एक लाइक तो वीडियो पर बनता ही है। सना सईद का जन्म 22 सितंबर 1988 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1998 में रिलीज हुई करण जौहर की फिल्म कुछ कुछ होता है में की, जिसमें उन्होंने शाहरुख खान की बेटी अंजलि का किरदार निभाया। इसके बाद उन्होंने साल 2000 में रिलीज हुई फिल्म हर दिल जो प्यार करेगा और बादल में भी बाल कलाकार के रूप में काम किया। इसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई की वजह से सिनेमा से दूरी बना ली, लेकिन 8 साल बाद यानी 2008 में सना ने छोटे पर्दे के साथ वापसी की और उन्होंने सीरियल बाबुल का आंगन छूटे ना और लो हो गई पूजा इस घर की में काम किया। इसके बाद 2012 पर बड़े पर्दे पर नजर आई फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में, जिनमें उनका रोल काफी छोटा था, जिसकी वजह से इन्हें फिल्में तो नहीं मिली लेकिन छोटे पर्दे के कुछ शो में नजर आती रही। 2013 में झलक दिखला जा, 2015 में नच बलिए और फियर फैक्टर, और 2016 में खतरों के खिलाड़ी। जो सफलता इन्होंने बचपन में पाई थी वो उन्हें अब भी नहीं मिली। ये दिखने में जितने खूबसूरत और ग्लैमरस है उससे कहीं ज्यादा ये टैलेंटेड है, लेकिन फिल्मों में इनका कोई गॉडफादर नहीं है, इसलिए आज भी ये जगमगाती दुनिया में स्ट्रगल कर रही है। दोस्तों, क्या आपको लगता है सना बहुत ही टैलेंटेड है और डायरेक्टर को इन्हें और भी मौके देने चाहिए फिल्मों में? अगर आप इस बात से सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में यस लिखकर जरूर करें कमेंट। साथ ही गुमनामी चेहरों की खबर सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।